हिंदुस्तान देख रहे हैं, आप साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी और लेकर के हाजिर हूं देश का सवाल और कहूंगी देश को कि जवाब दो। आज हिंदुस्तान सवाल पूछ रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल में दीदी का मुस्लिम कार्ड फेल हो गया है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि जो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कभी सिंगूर में ममता के सिपहसालार बने हुए थे, वही आज नंदीग्राम में ममता के खिलाफ झंडा बुलंद कर रहे हैं। क्योंकि जिस मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी विरोधियों को उखाड़ फेंकने का नारा दे रही थी, वहीं से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कल ताल ठोकने जा रही है। तो क्या बंगाल से दीदी का तुष्टीकरण वाला खेल अब खत्म हो चुका है और इसीलिए ममता बनर्जी बार बार बंगाल के लोगों को गुजरात और दिल्ली दंगों की याद दिला रही है। सवाल यह भी कि बंगाल में जो तुष्टीकरण का खेल खेला गया, तोलाबाजी का जो षड्यंत्र हुआ, अब वो खेल फेल हो गया है। तो क्या नंदीग्राम में अब्बास सिद्दीकी की एंट्री हो चुकी है, मुर्शिदाबाद में असदुद्दीन ओवैसी का आना अब दीदी के लिए परेशानियों की सबसे बड़ी यही क्या वजह बनी हुई है? सवाल और भी बहुत है और उन हर सवाल का बेबाकी के साथ जवाब मैं लूंगी और देश के लिए जवाब भी मांगूंगी। और इन तमाम जो सवाल हैं इनके ऊपर हम बहस करेंगे। और सवाल आज के क्या हैं आपको हम बता भी देते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पहला सवाल आज का क्या है आप जान लीजिए, क्या ममता बनर्जी का मुसलमानों से खेला अब फेल होने जा रहा है? 10 साल के बाद यही सिला उन्हें मिल रहा है। क्या नंदीग्राम में पीरजादा के आने से दीदी अपने ही गढ़ में घेर तो नहीं गई है क्योंकि वो तो लेफ्ट के लिए मांग रहे हैं वोट? इसके अलावा क्या ओवैसी के उम्मीदवारों का आना टीएमसी के लिए अब मुसीबत तो नहीं बनने जा रहा है? ये एक मुस्लिम वोट अब बटने वाला है, क्या मुस्लिम वोट के बटने की वजह से ही बौखला गई है ममता बनर्जी और इसीलिए इस तरह के बोल बोलती हुई ममता बनर्जी अब क्या नजर आ रही है? देश को जवाब देना होगा, जरूर देना होगा, इसी के ऊपर हम आगे बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ भी आपसे कराऊंगी लेकिन रिपोर्ट देखिए पहले आप। ओम सर्व मंगला मंगल्ये शिवे सर्वातुषाधिके शरण्यत्तम वके गौरी नारायणी नमस्तुते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आमियो हिंदू घरेर में छला है मतलब भूखा दिया है। हाँ, बेशक दिया है ना। तृणमूल पार्टी एंटी नेशनल पार्टी, ये देश के अंदर दूसरा देश का बात कहता है। मुसलमानों से दीदी का खेल हो गया फेल। बीजेपी ওই দলাল সিপিএম এর হারমাত্রাই আজকে বিজেপির সবচেয়ে বড় ওস্তাদ। দিদি কা মুসলিম কার্ড নন্দীগ্রাম মে বরবাদ। হায়দ্রাবাদ থেকে এলো গাই সাথে জুটলো ওই শয়তান ভাই। পীর জাদা করেঙ্গে খেলা দিদি কা নন্দীগ্রাম মে ডেরা। আমিও হিন্দু ঘরের মে ওম সর্বমঙ্গলা মঙ্গললে। बंगाल की सियासत की हवा बदल रही है, तुष्टीकरण का खेला फेल हो चुका है, मुस्लिम समुदाय अब वोट का खेला समझ चुका है, लिहाजा दीदी के दल में हाहाकार मचा हुआ है। नंदीग्राम में भी दीदी की राह मुश्किल हो गई है। सुवेंदु अधिकारी ने पहले से ही मजबूत किलेबंदी कर रखी है, दूसरी तरफ पीरजादा ने भी एंट्री मार ली है। पीरजादा ने लेफ्ट प्रत्याशी मीनाक्षी के लिए नंदीग्राम में रैली की और दीदी के खेल की पोल खोल कर रख दी। ঢপ দিল 15% সংরক্ষণ দেবো, ফুরফুরা রেল করে দেবো। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে মমতা ব্যানার্জির মতো মিথ্যুবাক আমার নজরে দেখিনি। सत्ता फिसलने के डर से दीदी इस कदर बौखला गई हैं कि शब्दों की मर्यादा भूल गई हैं। वो कभी पीएम को गाली देती हैं तो कभी ओवैसी को अपशब्द कहती हैं। मुस्लिम वोट बैंक के लिए दीदी हर खेला आजमा रही हैं। हैदराबाद से केलो गाई साथे जुटलो ওই শয়তান ভাই। সুতরাং তাদের কথায় ভোট দেবেন না, তাহলে কিন্তু এনআরসি এনপিআর করে সবাইকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেবে। তাই কি হবে, খেলা হবে কি মা বোনেরা, খেলা হবে কি ভাই বোনেরা, খেলা হবে। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के लेफ्ट के साथ आने से दीदी की नींद हराम है। पीरजादा 26 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और बाकी सीटों पर लेफ्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की री एंट्री हो चुकी है। ओवैसी कल मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं जहां वो मुस्लिम बहुल 13 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहे हैं।
बाकी सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन भी कर सकते हैं। अब्बास सिद्दीकी पहले ही कह चुके हैं कि जिन सीटों पर ओवैसी चुनाव लड़ेंगे वहां उन्हें वो समर्थन करेंगे ताकि वोट ना कटे। दीदी ने मुस्लिमों को सिर्फ धोखा दिया है। छला है मतलब? मतलब धोखा दिया है। हाँ बेशक दिया है ना। आपने बोले थे 15% संरक्षण देंगे, 10,000 शिक्षा प्रतिष्ठान देंगे, अनरेड एडुकेशन जो टीचर है शिक्षा शिक्षिका है उनका जो स्टूडेंट है, और आप हावड़ा जिला बरगेचिया में आके बोला फुरफुरा शरीफ में रेल हो गए हैं, तो धोखा नहीं है। आपने बोला हम एनआरसी के विरोध है, 2005 में आपने स्पीकर को मुंह में कागज फेंक के बोला एनआरसी करना होगा, इसे क्या धोखा नहीं हुआ? ये ड्रामा नहीं है। ओम सर्वमंगला मंगले। ममता बनर्जी कल से नंदीग्राम में डेरा डाल रही हैं ताकि माहौल बना पाएं। पर्चा दाखिल करते वक्त उन्होंने मंदिर मंदिर का खेला किया था, लेकिन उनका धर्म खेला नंदीग्राम की जनता समझ चुकी है। महिष्य समुदाय के साथ भी दीदी ने ओबीसी आरक्षण का छल किया है। चौतरफा घिरी दीदी अब मुस्लिम समुदाय को भगवा का भय दिखाकर वोट मांग रही हैं। पीएम को अपशब्द कह रही हैं, गुजरात और दिल्ली के दंगों की याद दिला रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।